शहरी क्षेत्र में गैस पाइपलाइन डालने के दौरान शहर के कई क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त होने के कारण शहरवासियों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गैस लाइन डालने के दौरान बिना किसी रूट मैप के खुदाई करने के समय पेयजल वितरण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और खुदाई करने वाले मजदूर उस पर मिट्टी डालकर अपना काम खत्म कर लेते हैं। अगले दिन जब क्षेत्र में पेयजल वितरण किया जाता है तब जाकर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलती है। शहर के दिलवार रोड स्थित मनोहर नगर में भी गैस पाइपलाइन डालने के दौरान पेयजल वितरण लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। शनिवार सुबह जब क्षेत्र में पेयजल वितरण किया गया तो सारा का सारा पानी सड़क पर बह गया, जिसके कारण क्षेत्रवासियों के घरों में पीने योग्य पानी भी नहीं पहुंचा। जानकारी पर क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती माया यादव तथा समाजसेवी शंकर यादव ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को सूचित कर पेयजल वितरण बंद करवाया, लेकिन तब तक सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। क्षेत्रवासी त्रिलोक चंद्र शर्मा ने बताया कि गैस लाइन डालने के दौरान मजदूरों को बताया गया था कि जिस जगह खुदाई की जा रही है वहां नीचे पेयजल लाइन है, लेकिन मजदूरों ने क्षेत्रवासियों की नहीं सुनी और खुदाई कर डाली। खुदाई के दौरान पेयजल वितरण लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण शनिवार सुबह पेयजल वितरण के दौरान सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। मालूम हो कि शहरी क्षेत्र में गैस पाइपलाइन डालने के दौरान संबंधित कंपनी के मजदूर अपनी मनमर्जी से खुदाई शुरू कर देते हैं, जिसके कारण पेयजल वितरण की पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसका खामियाजा जल उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। इनको हमने पहले भी समझाया था, यह पानी की मेन लाइन आ रही है, उसके बावजूद इनकी लेबर को इन्होंने लगा के जगह जगह से इस पानी की मेन लाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया। परिणाम स्वरूप आज पानी आया है और सारा पानी चला गया, हमारे किसी के भी पानी का प्रेशर नहीं रहा है। और इनको बताया गया, इनके जो लेबर है कहाँ की आई हुई है, वो हमारी भाषा नहीं समझती है, ऐसी लेबर को लगा रखा है जो वो न हमारी सुन रहे हैं न किसी तरह की परमिशन भी नहीं बता रहे के, और यही कह रहे हैं कि हमारे पास परमिशन है सब कुछ तोड़ने की। हमने इनको कितना समझाया था कि साइड से लीजिए, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं और जगह जगह से ये पानी की पाइपलाइन को इन्होंने तोड़ दिया है।